क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा, जिसका प्रसारण दोपहर 2 बजे से होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मैहर से पार्टी छोड़ने वाले विधायक नारायण त्रिपाठी पर सवाल किया गया तो उन्होंने भड़कते हुए कहा कि काहे के त्रिपाठी, कोई नहीं है नारायण त्रिपाठी। कि नारायण त्रिपाठी की बात कर रहे हैं आप। मऊगंज जिले में 3 वर्ष पुरानी चोरी का खुलासा हुआ है। जमीनी विवाद के चलते एक भतीजे ने अपने सगे चाचा के घर में सेंधमारी कर सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने 6 लाख के जेवरात बरामद कर ली है। बमीठा बेला नेशनल हाईवे पर रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र अंतर्गत तेज रफ्तार कार विद्युत ट्रांसफार्मर से टकराकर पलट गई। मझगवां चित्रकूट रोड पर शुक्रवार को हुए एक सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। छतरपुर की चर्चित डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को हाई कोर्ट से सीधी राहत नहीं मिली है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने निशा बांगरे के इस्तीफे के मामले में राज्य शासन को निर्देश दिए हैं कि वह लंबित जांच पर जरूरी कार्रवाई करें। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के एक हॉस्टल में छात्रों के रैगिंग का एक फोटो सामने आया है। स्टूडेंट से बातचीत में पता चला कि कैंपस में भेल नाम से ग्रुप सक्रिय है, के मेंबर दबदबा बनाए रखने के लिए नए बैच के स्टूडेंट साथ मारपीट करते हैं। शहडोल जिले के बेवहारी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बुढ़ुआ और आसपास के क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन और भंडारण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। उज्जैन नगर निगम अवशेष से वेस्ट बनाने की प्रक्रिया बनाकर कचरे से बायो सीएनजी गैस बनाएगी। जो गैस बनेगी उससे निगम के इकट्ठा किए हुए कचरे का ट्रीटमेंट कर प्रबंधन तो होगी, साथ ही इससे निगम की आय भी होगी। उज्जैन के नीलगंगा थाना पुलिस ने नकली नोट के मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनसे 2 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए गए हैं। ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।